रविवार को कमला नगर स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में श्री बाके बिहारी सत्संग समिति द्वारा 19वें सामूहिक एकादशी उद्यापन का आयोजन किया गया। दो दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ अध्यक्ष सतीश चंद्र अग्रवाल एवं महामंत्री एसबी मित्तल ने मंत्रोच्चारण के साथ श्री बाके बिहारी जी के समक्ष पूजा अर्चना एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया। रविवार को कमला नगर स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में श्री बाके बिहारी सत्संग समिति द्वारा 19वीं सामूहिक एकादशी उद्यापन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री एस बी मित्तल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों से वे लोग जो किन्हीं कारणों से एकादशी उद्यापन घर पर संपन्न नहीं करा पाते हैं, उन सभी के लिए समिति यह कार्यक्रम निरंतर करती आ रही है। उपाध्यक्ष संदीप मित्तल और कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत सत्कार किया, तो वहीं समिति की महिला मंडल ने पूजा अर्चना की तैयारियों को पूर्ण कराया। पहले दिन भगवताचार्य सुभाष चंद्र शास्त्री ने 61 जोड़ों को 26 एकादशी कथाओं का रसपान कराते हुए एवं महत्व समझाते हुए हरि संकीर्तन, गौ पूजन व हवन और देव विसर्जन कराया। इसके बाद आयोजन समिति ने अतिथि यजमानों एवं सभी पूजनीय ब्राह्मणों का फलाहार कराया। मीडिया प्रभारी अंकित अग्रवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रदेशों से भी यजमान एकादशी उद्यापन करने आए हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 20 दिसंबर को सुंदरकांड का पाठ, ब्यास पूजन एवं भोजन प्रसादी के बाद आयोजन का समापन होगा। और समिति हमारे जो है एकादशी उद्यापन कराती है। इस समय 19वां जो है वो एकादशी उद्यापन है और साल में दो बार कराते हैं, एक बार गर्मियों में, एक बार सर्दियों में। हमारा उद्देश्य जो है एकादशी उद्यापन कराने का केवल ये है कि जिनके पास पैसा है उनके पास समय नहीं है और जिनके पास समय है उनके पास पैसा नहीं है, तो दोनों तरीके के लोगों का काम हो जाता है। वो आ जाते हैं अपने बहुत जिनका सूक्ष्म पैसा खर्च करके जो करना चाहते हैं वो सूक्ष्म पैसा खर्च करके जो है अपना कार्यक्रम कर लेते हैं और वो अपना पैसा दे करके जो है अपना समय बचा लेते हैं। समिति के अध्यक्ष सतीश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि सामूहिक कार्यक्रम के जरिए फिजूल खर्ची रोकना एवं समाज में धर्म की स्थापना करना समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। मैं एसबी मित्तल महामंत्री के रूप में दायित्व श्री बांके बिहारी सत्संग समिति का पिछले कुछ वर्षों से संभाले हुए हूँ। हमारी समिति आज हमारा बड़ा सौभाग्य है, आज इतने अच्छे दिन आप पधारे हुए हैं कि आज हमारी समिति का स्थापना दिवस भी है। हम समिति के 11 वर्ष आज पूर्ण कर रहे हैं और इसी दिन हमारा 19वां सामूहिक एकादशी उद्यापन का कार्यक्रम भी आयोजित हो रहा है। इसी तरह से हम प्रयास करते हैं कि वर्ष में दो बार सामूहिक एकादशी का उद्यापन का कार्यक्रम आयोजित करें। यह कार्यक्रम हम उन लोगों के लिए आयोजित करते हैं जो एक धन का अभाव ही अभाव नहीं होता, अन्य अभाव भी हैं, जिनके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं या जिनका किसी तरह से अपने घर पर व्यवस्था बनाने में किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं, उन सभी को ये हमने प्लेटफार्म उपलब्ध करा करके उनके लिए अपने एकादशी के जीवन भर किए हुए व्रत का पारायण कराने का संकल्प किया हुआ है। वैसे हमारी समिति धार्मिक सामाजिक संस्था है, बाहर से कहीं से धन एकत्रित नहीं करती है। जो श्री बाके बिहारी सत्संग समिति द्वारा आज 19 मई के दिन पे 19वां विशाल सामूहिक एकादशी उद्यापन का समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें इसमें 61 जोड़े जो है एकादशी की व्रत का अपना रसपान कर रहे हैं और आचार्य सुभाष चंद्र शास्त्री जी द्वारा ये सब क्या कहते हैं व्यवस्थाओं को पूर्ण कराया जा रहा है। और मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आगामी उद्यापन हमारी समिति के द्वारा 11 व 12 दिसंबर 2024 को कराया जाएगा। इस दौरान संयोजक अनिल अग्रवाल, दीपेश अग्रवाल, अशोक बाबू गुप्ता, मीडिया प्रभारी रूपेश अग्रवाल और अंकित अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। मून न्यूज़ के लिए तारा चंद की रिपोर्ट।